रहमान रहीम, टुडे इज़ वेरी फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द नाइन्थ क्लास हैविंग द यूनिट नंबर 4 टॉपिक हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 4 विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पैसेज which you can see on your screen. So we'll start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam aur aapke dost, aapke saathi हज़रत अबू बकर सदीक ने मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की, माइग्रेटेड, हिजरत की। व्हेन द चीफ्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्स ऑफ द मक्का केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक, दे गॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। व्हेन द चीफ्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को हजूर सल्लम और आपके दोस्त, आपके साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिजरत के बारे में इल्म हुआ, केम टू नो, इल्म हुआ, दे गॉट फ्यूरियस, वो गज़बनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटर्मिंड मोर देन एवर टू फाइंड आउट देम, वो सरदार आपको ढूँढने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़म हो गए, डिटर्मिंड, पुरअज़म हो गए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देर कैप्चर डेड और अलाइव, उन्होंने उनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर भारी इनामात और नवाजात की पेशकश की, ऑफर बीन पेशकश की। सो वी हैव द लेटर आल्सो, सो आई एम गिविंग यू द ट्रांसलेशन आल्सो फॉर योर कन्वीनियंस। सो आफ्टर दैट वी विल स्टडी द लेटर नंबर 5 विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो हैविंग द टाइटल, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड फॉर योर पेमेंट ऑफ द हॉस्टल ड्यूज। आपने अपने फादर को, आपने अपने बाप को ख़त लिखना है कि आपके जो हॉस्टल के अखराजात हैं उसके लिए आपको कुछ अखराजात भेजें, कुछ खर्च, कुछ पैसे भेजें। सो आपके पास ये लिखा है गुलबर्ग लाहौर मार्च, ये इसको कटा के हम बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल सीटी एबीसी और उसके बाद माए और उसके बाद कॉमा डेट लिखते हैं 17 या कुछ भी लिख के 2020 और एंड में फुल स्टॉप। दोबारा सुन लें, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट और उसके बाद माए 22nd कॉमा 22 फुल स्टॉप, उसके बाद आप डियर फादर मेंशन करते हैं। सो हम इसको स्टडी करते हैं। आई हैव been planning to write you for many days but couldn't find time to do so. मैं आपको काफ़ी दिनों से ख़त लिखने का सोच रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। My exams are drawing near, मेरे इम्तहानात करीब हैं, and I am busy preparing for them, और मैं उनको, उनकी तैयारी में बहुत मसरूफ़ हूँ। I have already revised my course, कहता है कि मैं अपना जो नसाब है उसको पहले ही दोहरा चुका हूँ। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़, आपको मेरी पढ़ाई के बारे में सोचने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम डैट आई फेस दीज डेज इज़ डैट, कहता है सिर्फ मसला एक ही है जो इन दिनों मुझे दरपेश है, वो क्या है, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी एज अ बॉट सम बुक्स विच हैज़ अपसेट माई बजट, कहता है पैसों की कमी है, जो मैंने कुछ बुक्स ख़रीदी हैं जिसकी वजह से मेरा जो बजट है, जो मेरी जेब खर्च है, वो क्या हो गई है,
अपसेट हुई है, प्रॉब्लम हो गया मुझे, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा इफ़ यू सेंड मी एट लीस्ट 10,000 रुपीज़, अगर आप मुझे कम अज़ कम जो है 10,000 भेज देंगे टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़, ताकि मैं अपने जो हॉस्टल के अखराजात हैं वो पूरे कर सकूँ एंड टू मीट माई अदर नीड्स, और अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। योर्स अफेक्शनेटली, आपको पता है जब आप किसी ब्लड रिलेशन को, फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को ख़त लिखते हैं तो आप अफेक्शनेटली लिखते हैं, और अगर किसी फ्रेंड को लिखें तो आप सिंसियरली लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप नाम नहीं मेंशन करेंगे, एंड में आप एक्स वाई जी करेंगे। इन्हीं जो मैंने लेटर पढ़ाया है, पैसेज पढ़ाया है, आप इसको याद करें, लिखें, और लिख के आप अपने रजिस्टर पर इसको बार बार याद करें। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।